गोरखपुर जिले में दूसरे चरण का टीकाकरण शुक्रवार को शुरू हो गया। कुल 24 बूथों पर आयोजित टीकाकरण में 22 पर बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। 2 बूथ फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बनाए गए थे, जिस पर एडीजी दावा शेरपा, कमिश्नर जयंत नार्लिकर, आईजी राजेश डी मोदक, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित सभी उच्चाधिकारियों ने टीकाकरण कराया। शाम तक 3000 स्वास्थ्य कर्मियों और 200 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 144 फ्रंटलाइन वर्करों सहित कुल 1452 लोगों का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें, फ्रंटलाइन वर्करों के लिए कमिश्नर कार्यालय व जिला अस्पताल में बूथ बनाए गए थे। एडीजी दावा शेरपा, कमिश्नर जयंत नार्लिकर, आईजी राजेश डी मोदक, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह आदि ने जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई। वहीं कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित दूसरे बूथ पर अन्य फ्रंटलाइन वर्करों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने टीकाकरण के पहले भी कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टीका लगवाने के बाद अपनी भूमिका का और अच्छी तरह निर्वाह कर सकेंगे। कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने कहा, यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। हर व्यक्ति को अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, उसके 28वें दिन दूसरा डोज लेना चाहिए। डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि इस पल का लंबे समय से इंतजार था। 1 साल से हम लोग कोरोना से जंग लड़ रहे थे। 350 से अधिक लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। वैक्सीन से इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपना नंबर आने पर इसे जरूर लगवाए। इस दौरान जिला अस्पताल के बूथ पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एन के पांडे सहित सभी अधिकारी सुबह से ही मौजूद थे। टीकाकरण सुबह 9:30 बजे शुरू हो गया। वहीं कमिश्नर सहित सभी अधिकारी 11:20 पर पहुंचे। सबसे पहले 11:24 पर एडीजी दावा शेरपा को वैक्सीन लगाएगी। इसके बाद सभी अधिकारियों ने बारी बारी से वैक्सीन लगवाई। इसके बाद में आधा घंटा विशेषज्ञों की निगरानी में रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, डीएम के विजेंद्र पांडियन, आईजी राजेश डी मोदक, कमिश्नर जयंत नार्लिकर और एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, इसमें सबका है, इसमें करना क्या, इसमें छाट कर जो भी आ जाएंगे इसमें से भी मिल जाएगा। ओके कर दीजिए, अब यहाँ कमेंट में लिखें। कोई प्रतिकूल प्रभाव ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें होंगी, जैसे बुखार उखार होगा, दर्द होगा, तो आप दवा ले सकते हैं। और ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोविड का टीका लग रहा है तो आपको आगे चल के कोविड नहीं हो सकता है। डिवीजन टोटल ये है, टोटल चार्ज डिवीजन का 12 आधे घंटे ना तो बनी कराने के लिए।
100% ऑक्सीजन सैचुरेशन अरे यार तो आप लोग आगे आ जाओ विजेंद्र पांडियन नाश्ता कर लिए हाँ नाश्ता कर लिए झुक जाना है ये डी सर का यार आईडी कार्ड रह गया तो मेरी नेक्स्ट डोज कब होगी ना उसके साथ मेंशन हो गया है 5 मार्च ठीक है क्या बोल लोग सब कहेंगे करेंगे सबको पता नहीं चला लगाएंगे सर अभी मास्क नीचे ठीक है
थैंक यू जरूर लगाएं सर, लोग तो इसलिए यहाँ रहना चाहिए सर, आपके आधे घंटे यहाँ रहना है सर, लेकिन आप लोग आते हैं प्रोटोकॉल रुक जाइए, आपका नाम मिलेगा तो अभी तो आप जाएंगे, नाम आपका देख, नाम तो है आधार कार्ड दिखाइए अपना, कहेंगा ना, बहुत लोग सोचते हैं अरे कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बीपी शुगर का कुछ नहीं है, दवा या इंजेक्शन से एलर्जी कुछ नहीं, एलर्जी मैं स्वस्थ हूँ, कोई रोग नहीं है, आदत ही है इसे लगाने का, कौन करेगा ऐसे क्यों कह रहे हैं सर, हम ही लोग हट जाएंगे तो काम सेवा कौन करेगा यहाँ पर कोई दवा इंजेक्शन से एलर्जी नहीं सर, चौरंगे चौने का जी चौने सर स्माइल कल 200 आज आपको कोविड का वैक्सीन लग रहा है ठीक है, उसकी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, वो मैसेज जाएगा डॉक्टर वंदना यादव, मैं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय डुमरी निवास में पोस्टेड। मुझे आज कोरोना के जो वैक्सीनेशन आया कोविशील्ड लगा है और 15 मिनट हो गया लगभग लगाए, मुझे फिलहाल तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अपना आधा घंटा पूरा होने की वेट कर रही हूँ मैं। ये बताइए मैम, इस टीका को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? मुझे तो मतलब मेरा और भी मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने लगवाया है, उनसे भी जो एक्सपीरियंस मिला है और जो भी और मैं सुन रही हूँ, ऐसा तो मतलब मुझे लगता है जो न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं या इधर उधर से सुन रहे हैं, जो लगवा रहे हैं जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है उनकी तरफ से तो मुझे कभी कोई कंप्लेन पता नहीं चला। और मैं भी लास्ट में मेरा नंबर आया तो मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे कंफ्यूज थी, लेकिन सबका फीडबैक देख के फिर आज मैं भी एकदम कॉन्फिडेंटली आई कि नहीं मुझे लगवाना है, ऐसा कोई डाउट है भी नहीं। आप मानती हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित? एकदम सुरक्षित है, जब डॉक्टर लगवा रहे हैं तो बाकी लोग के लिए तो तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। आज हमारे 24 बूथों पर टीकाकरण हो रहा है और उसमें से एक एक्सक्लूसिव हमारे फैसिलिटी से अलग कमिश्नरी में टीकाकरण हो रहा है, वहाँ भी 125 लोगों का टारगेट दिया गया है जिसमें रेवेन्यू विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी हैं,
और कुछ विभाग के डिफरेंट विभाग के अधिकारियों का यहाँ जिला अस्पताल में टीकाकरण हो रहा है, जिसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडिशनल कमिश्नर लोगों का टीकाकरण हुआ है। यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है और कमिश्नरी में जो है कोवैक्सीन लगाई जा रही है। सर, आज कितने लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य? आज 3200 के इर्द गिर्द टीका लगाने का लक्ष्य है और देखते हैं हम सफलतापूर्वक पूरा 100% टीकाकरण कर लेते हैं, क्योंकि आज फ्रंट स्वास्थ्य विभाग के लोगों का अंतिम दिन है। आज मैक्सिमम लोगों का, जो भी छोटे हैं, उनका टीकाकरण हो जाए, जिससे कि 15 तारीख को जो मॉप अप राउंड होगा, जिसमें छोटे लोग, उसमें हमें हमारे ऊपर बोझ कम पड़े। सर, टीकाकरण अभी चल रहा है तो सुबह से जो टीकाकरण अब तक हुआ है, कहीं से भी कोई इस तरह की सूचना आई जिससे कि टीकाकरण होने के बाद किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई? बिल्कुल ही, सभी लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। कमिश्नरी में भी हम जा करके इंस्पेक्शन करके आए, वहाँ भी सक्सेसफुली टीकाकरण चल रहा है, वहाँ भी सब लोग रिलैक्स हैं। यहाँ भी हमारे उच्च अधिकारी लोग भी बिल्कुल रिलैक्स और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ और एडीएम फाइनेंस हूँ यहाँ पे, और आपदा का प्रभारी हूँ। कोविड का जो जिले का कार्य था प्रशासन को लेकर के, उसका भी प्रभारी हूँ। मैं कोविड पॉजिटिव ही हुआ था और मेरा आज नंबर आया था कि कोविड टीका मुझे लगे, मैं यहाँ आया। यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोविड टीका मुझे लग गया है और मैं सामान्य महसूस कर रहा हूँ। टीकाकरण के बाद किसी तरह की दिक्कतें हुई आपको? अभी तक तो नहीं है और आगे भी होने की संभावना नहीं है। सर, टीकाकरण के बाद आपको कुछ सुझाव भी बताए गए? हाँ, वो सुझाव तो हमारे पास पहले से ही है, हम अपनी तरफ से भी इन सुझावों को बता रहे हैं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार साबुन से हाथ धुलें। लेकिन लोगों से मेरा अनुरोध है कि लोग थोड़ा इसमें लापरवाह हो गए हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ये तो सामान्य एक दैनिक आदतों में इसको डालना चाहिए। मास्क पहनते हैं तो धूल नहीं आएगी, हाथ धुलते हैं तो कम से कम शुद्ध हाथ से आप खाना खा सकेंगे। तो ये चीज़ें आप डे टू डे की एक्टिविटी में, दैनिक प्रयोग में आप रख लें, बहुत अच्छा रहेगा। सर, ये टीकाकरण जो हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी भ्रांति है, ये एक टीका है। हम लोग तो तमाम दवाएं खाते रहते हैं, इसके पहले भी बचपन में हम लोगों को टीके लगे हैं, तो टीका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। हाँ, आम आदमी में तमाम तरह की बीमारियां होती, तमाम तरह की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसका वो इलाज करा लें। कोविड-19 की जो है आज वैक्सीन मुझे लगा है, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हम सब लोग जो है कोविड के बारे में एक आम जनता को इस तरह से होना चाहिए कि जो अधिकारी को देखने के बाद किसी के अंदर कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। ये वैक्सीन आज कोविड का हमें लगा है, कोविड शील्ड इसका नाम है, और 5 तारीख को आज हमें सभी अधिकारियों को लगाया गया है और बाकी जो पुलिस फ्रंटलाइन पे जो कि काम कर रही है उन सबको लगाया जाएगा आगे आने वाले समय में। इसको 1 महीने बाद इसकी दूसरी जो डोज भी लगेगी, वो बहुत सुरक्षित है। और इसको सभी पुलिसकर्मियों से अपील करते हैं हम लोग और सभी पब्लिक से भी अपील करते हैं, इसको समय आने पर बारी के साथ इसको लगाया जाए, सुरक्षित टीका है। ये मुझे लगता है कि ये भ्रांतियाँ टीकाकरण को लेकर जो फैल रही है वो गलत है, और इसका सही बात यही है कि टीका सुरक्षित है, हम सभी लोग लगा रहे हैं, सभी लोगों को लगाना चाहिए। देखिए, जिला अस्पताल में आकर के हम लोग सब लोग टीका लगाएं, कोविशील्ड लगाए थे हम लोग, ताकि वैसे तो 1 महीने फ्रंटलाइन वर्कर्स का चल रहा था, पहले जो हम लोग डॉक्टर को नर्स के लगा रहे थे, अभी बारी हम लोग का भी है, यानी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य में संबंधित और भी लोग हैं उनको लगा रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन ऑर्गेनाइज कराते हुए लगा रहे हैं। इसमें बहुत सारे अफवाह हैं, उसी को तोड़ने के लिए हम लोग खास तौर पर आए हैं। आज ADGP साहब है, कमिश्नर साहब हैं, IG साहब है, कप्तान साहब है, मैं हूँ, और लोग भी लगा रहे हैं, ताकि अब लगा करके हम संदेश देने चाहते हैं, ये वैक्सीनेशन भारत ने बनाया और बहुत सुरक्षित वैक्सीन है, इस पर अफवाह में ज़रूर विश्वास मत करें। 2 डोसेज लगेगा, आज डोसेज लगाने के बाद 28 दिन के बाद दोबारा दूसरा डोसेज लगेगा, तब तक का सतर्क रहना होगा, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हाथ बार बार धो लीजिए। ज़रूर हम मिलकर लड़ेंगे, तो ये कोरोना के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, इस पर ज़रूर जीतेंगे। आपका बारी आने पर ज़रूर वैक्सीनेशन लगा दीजिए। नहीं, अभी अभी कोविड का टीका लगा है और
पूरे एहतियात के साथ लगाया गया है और अभी ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कोई भी नई चीज़ जब होती है तो उसके बारे में बातें बनाई जाती है, भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे लोग जिन्होंने ये टीका बनाया है और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर हमने विश्वास करना चाहिए और साइंटिफिक एनालिसिस पे विश्वास करना चाहिए, साइंटिफिक रिजल्ट्स पे। ये युग साइंस का है, इस पर ऐसे कोई भ्रांतियों का फैला के या कोई भी कुछ भी बोलता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब के भलाई के लिए है। पिछले 8 महीने से हम इसकी राह देख रहे थे, ये टीका हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए जिसने इसके लिए मेहनत की है और इसे बिना डाउट किए हुए इसको लगाना चाहिए। देखिए दोनों टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड उपलब्ध हैं और सेशन साइट वाइज उनको एलोकेट किया गया है, दोनों ही पूर्णतः टेस्टेड और पूर्णतः सुरक्षित हैं। आज हम लोगों ने डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, जिलाधिकारी और कप्तान साहब गोरखपुर के साथ मैंने भी यहाँ पर टीकाकरण अपना करवाया है और मेरा अनुरोध सारे जनमानस से रहेगा कि जिसका जब जिस सेशन साइट पर नंबर आया है वहाँ पर जाके वो अपना टीकाकरण कराएं और कोरोना के संक्रमण से बचाव में ये एक प्रभावी कदम होगा और हम आशा करते हैं इससे कोरोना के संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए भ्रांतियाँ, कुछ नकारात्मक तत्व यदि भ्रांतियाँ फैलाते हैं उस पर ध्यान देने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये दो डोज लगनी है, एक डोज आपकी लगने के बाद 28 दिन के बाद आपको नंबर आपका नेक्स्ट आएगा। यदि AEFI जिसे बोलते हैं आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI के केसेस बिल्कुल न्यूनतम हैं, पूरे देश में न्यूनतम है और ये बताता है कि हमारा टीका पूर्णतः सुरक्षित है। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की एक कहावत है, धीरे धीरे जनमानस को पता चलेगा कि ये टीका से AEFI निल है और कोरोना संक्रमण से बचाव हो रहा है तो अपने आप भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। कोविशील्ड का टीका लगाया है जब फ्रंटलाइन वर्कर, आज जब इसकी शुरुआत हुई है तो पहला टीका मैंने यहाँ लगाया है और ये बेहद सौभाग्य की बात है। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद ये टीका आई है तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर किस टीका को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं? बेकार की भ्रांतियाँ हैं, इसमें कुछ नहीं है, जैसे बाकी टीका होता है वैसे टीका है और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन जैसे बाकी चीज़ों में होता है एलर्जी वगैरह में उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है।